हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेफ होंगे। वो वैसे अभी टाइम हो रहा है 7:50, तो मैं जस्ट अभी उठी हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ पहले शॉल लेने के लिए, पहले फ्रेश अप हो जाओ, उसके बाद मंदिर सेट करूँगी, देन पूजा करूँगी, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। अभी मॉर्निंग के 11:30 हो गई है और मैंने फास्ट रखा है। श्रेयांश भी बोल रहा था बट मैं उसको नहीं रखने दे रही हूँ। उसको कब से बोल रही हूँ खा ले कुछ, बट अभी तक उसने नहीं खाया है। लेट्स सी, एंड अगर उसका मन होगा तो एक आज रख ले, एंड हस्बैंड नहीं रखेंगे। बस अभी कुछ बनाऊँगी, पूजा वगैरह की है, एंड कपड़े धोने के लिए डाले थे, एक लॉट तो धुल गया। और ये मैंने परसों धोए थे जिनको मैं अभी तय लगा रही हूँ। साथ साथ मैं कपड़े तय लगा रही थी और सोचा चलो ब्लॉग ही शूट कर लेती हूँ बस ऐसे। बस अभी कपड़े वगैरह ये सब तय लगा लेती हूँ एंड देन कबर्ड में सेट कर देती हूँ। और एक लॉट मैंने डाल दिया है, दूसरा डालना है यूनिफॉर्म्स का, श्रेयांश का। बस फिर मेरे कपड़े का काम भी ख़त्म हो जाएगा एंड क्लीनिंग भी मैंने अभी तक नहीं की है। सुबह से बस पूजा वगैरह यही सब कुछ हुआ है मेरा और कुछ नहीं किया मैंने। तो बस अभी करूँगी और खाने में देखती हूँ क्या बनाऊँगी अपने लिए और श्रेयांश क्या बोलते हैं। हस्बैंड तो बाहर हैं, वो अभी शाम को ही आएंगे। अबू धाबी चले गए हैं, वो तो शाम को ही आएंगे। कुक्कू बहुत ज़्यादा शोर मचा रही है तो उसकी इग्नोर करना वॉइस को। एक्चुअली मिट्टू हमारा बाहर है, टीवी के ऊपर बैठा है, तो कुक्कू ऐसे नहीं बोलेगी, ऐसे शांत बैठेगी, बट जैसे ही मिट्ठू बाहर जाएगा तो उसका बोलना स्टार्ट हो जाता है। तो आज मेरी वॉइस भी आपको थोड़ी लो आ रही होगी, प्लीज़ थोड़ी एडजस्ट कर लेना, बिकॉज मेरी तबीयत, मेरा गले में बहुत दर्द लग रही है। आई डोंट नो, कल तक तो ठीक था बट आज मॉर्निंग से थोड़ा सा लो फील कर रही हूँ। बट चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। सो गाइस, कपड़े मेरे फोल्ड हो चुके हैं, बस अभी एक लॉट मैंने और डाला है मशीन में एंड अभी मैं जा रही हूँ कुछ बनाने के लिए अपने लिए और माता रानी को भी भोग लगाना है। सुबह तो मैंने उनको फ्रूट वगैरह का लगा दिया था एंड श्रेयांश भी कह रहा है कि मुझे फास्ट रखना है। मॉर्निंग से सिर्फ उसने दूध पिया, अभी कुछ नहीं खाया है। सो देखते हैं, जब तक रख पाएगा तो रख लेगा। और कल हम लोग गए थे शाम को अलादिल, एंड एक अलादिल जो अलवादा में है वो मैंने टूर भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो लेकिन हमारे पास भी एक ब्रांच है जिसका हमें पता भी नहीं था, सो अभी रिसेंटली पता चला है। तो वहाँ से हम लोग व्रत वगैरह का कुछ सामान लेकर आए, मैं दिखाती हूँ आपको, क्योंकि आपको सामान दिखा लेती हूँ पहले, उसके बाद जो बनाऊँगी वो दिखाऊँगी आपको। अभी सोचा कुछ नहीं है कि क्या बनाऊँगी, बट देखते पहले सामान निकालते हैं, फिर थोड़ा आएगा आइडिया क्या बनाऊँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइस, अभी मैं आपको वन बाई वन सामान दिखा लेती हूँ। तो सबसे पहले हम लेकर के आए हैं ये अमूल का घी, एंड ये छोटा वाला पैक लेकर आए हैं हम, क्योंकि बड़ा जो है वो ऑलरेडी है, ये सिर्फ थोड़ा व्रत का जो खाना वगैरह बनाना है उसी के लिए। देन ये कुट्टू का आटा लाए थे एक पैक, एंड उसके बाद एक पैक ही हम लाए हैं इस सामोराइस के, इसकी देखूंगी यहाँ खीर वगैरह बना लूँगी या सिंपल चावल और इसके साथ कोई सब्जी वगैरह, जो सब्जी फास्ट में खा सकते हैं वैसा। और ये सिंगाड़े के आटे के मैं दो पैक लेकर के आई थी। और उसके बाद ये है रॉक साल्ट, देन ये कुछ सागो पापड़ और जिसको साबुदाना पापड़ कहते हैं, एंड ये कुछ दो ड्राई कोकोनट जो हलवे वगैरह में यूज़ होगा वो लाई हूँ। एंड एक पैक में ये लेकर आई हूँ पीताम्बरी का शाइनिंग पाउडर, जो कि पूजा के बर्तन कॉपर वगैरह के स्टील के जो भी बर्तन होते हैं उनको साफ़ करने के लिए मैं ये लेकर के आई थी। एंड पहले भी लाई थी, वो ख़त्म हो गया था, ये सेकेंड पैक लेकर आई हूँ। और बहुत अच्छे से इसके साथ जो कॉपर के या ब्रास के बर्तन होते हैं बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं।
सो गाइज, अभी मैं आ गई थी किचन में अपने और श्रेयांश के लिए कुछ बनाने के लिए, तो हमने डिसाइड किया कि आज हम लौकी के पकौड़े बना लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने लौकी को वॉश करके देन उसको ग्रेट कर लिया था, और उसके साथ थोड़े से कोरिएंडर लीव्स और चिल्ली, रेड चिल्ली, वो भी ऐड कर ली थी। और इसमें अभी मैं ऐड कर रही थी सिंघाड़े का आटा। तो सिंघाड़े का आटा ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी अभी रॉक सॉल्ट एज पर नीड। एंड अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो स्पून की हेल्प से कर सकते हैं, बट हाथ से बहुत अच्छे से हो जाता है। देन इसके बाद हम इसके पकोड़े निकाल लेंगे। सो गाइस, अभी मैं बना रही थी चाय और पकोड़े भी हमारे रेडी थे, बस चाय के साथ मैं खा लूँगी और श्रेयांश दही के साथ खा लेगा। A few moments later. So guys, हमारा खाना पीना हो चुका है। मैंने पकोड़े खाए थे चाय के साथ और श्रेयांश ने खाए दही के साथ, उसने भी फास्ट रख दिया आज। एंड बस अभी थोड़ी देर हम रेस्ट करेंगे और रेस्ट करने के बाद मिलती हूँ आपसे। सो गाइस, अभी टाइम हो गया था इवनिंग के 4:45 एंड अगेन मैं आ गई थी किचन में, और अभी मैं बना रही थी चाय एंड चाय मैंने रेडी कर ली थी। बस अभी मैं थोड़ा सा मखाना रोस्ट कर रही थी एंड थोड़ा सा घी डाल के मैंने इसको अच्छे से रोस्ट कर लिया था। उसमें थोड़ा सा रॉक सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर ऐड कर लिया था। एंड अभी चाय पीने के बाद मैं डिनर भी प्रिपेयर कर रही थी, और इसके लिए मैंने सिंपल सी लौकी की सब्ज़ी बना ली थी जो कि व्रत में खाई जाती है बिना हल्दी के और बिना किसी मसाले वगैरह के, बिल्कुल सिंपल सी। एंड साथ में मैं बना रही थी सामो राइस, एंड सामो राइस और सब्जी, बस यही हमारा डिनर हो जाएगा। वैसे तो अगर मैं फास्ट रखूँ तो मैं इतना ज़्यादा नहीं खाती हूँ, बट श्रेयांश ने भी रखा था तो उसकी वजह से मुझे ये सब बनाना पड़ रहा था। A few moments later. So guys, dinner prepare करने के बाद हमने शाम की पूजा वगैरह करके अपना dinner किया and then it's time to take rest. तो ऐसा रहा हमारा आज का दिन, अष्टमी का दिन। So चलिए guys, इस vlog को मैं यहीं पे end करती हूँ। मिलती हूँ आपसे next vlog में। Till then stay tuned. Bye guys, stay happy, healthy and safe.